साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए आपके लिए सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण 360 डिग्री करंट अफेयर्स, यानी कि यहाँ पर आपको हर एक प्रश्न के बारे में डिटेल में जानकारी दी जाएगी, जिससे अगर उससे संबंधित कोई अन्य प्रश्न भी आपकी परीक्षा में बनता है तो आप उसे भी बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आज यहाँ पर इंदौर में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, तो बैकग्राउंड में आपको बारिश की आवाज़ सुनाई दे सकती है, तो उसको इग्नोर कीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि आज के सेशन में क्या क्या होने वाला है। देखिए, तो टुडे सेशन की बात करें, सबसे पहले यस्टरडे का रिवीजन कराया जाएगा, यानी कल हमने जो आपको करंट अफेयर कराई है उसमें से रैंडमली 3 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे और आपको अपने आप को ये खुद चेक करना है कि कल वाली करंट अफेयर आपको याद है या फिर नहीं याद है। उसके बाद में टुडे करंट अफेयर यानी आज की करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में फुल डिटेल में आपको जानकारी दी जाएगी। उसके बाद में एमपी करंट अफेयर, मध्य प्रदेश करंट अफेयर से संबंधित जो भी आज के प्रश्न बनेंगे उन सभी प्रश्नों के बारे में आपको डिटेल में जानकारी दी जाएगी। उसके बाद में सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से स्पेशली NTPC CBT 2 और MPPSC की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्टैटिक जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराया जाएगा, जिसे सामान्य सचेतता कहते हैं हिंदी में। अब ये प्रश्न बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिल रहे हैं परीक्षाओं में। उसके बाद होमवर्क विद स्क्रीनशॉट, यानी कि कल हमने आपसे एक प्रश्न पूछा था, उसका जवाब जिन लोगों ने भी दिया होगा उनका नाम आपको वीडियो के लास्ट में स्क्रीनशॉट के साथ में देखने को मिलेगा। उसके बाद टुडे होमवर्क, आज हम आपसे एक सिंपल सा प्रश्न पूछेंगे जिसका जवाब देने पर कल वाली वीडियो में आपका नाम भी आएगा। तो चलिए बिना समय गवाए हुए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम रिवीजन वाले प्रश्नों को देख लेते हैं। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। इनमें से पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का कार्यकाल क्या है, 1996, 1998, 99, 1999 या फिर 2004? सही आंसर है डी, यानी कि उपरोक्त सभी। ये सभी आंसर बिल्कुल सही है। 3 बार यहाँ पर भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी। याद रखिएगा, क्योंकि अभी हाल ही में इनकी पुण्यतिथि मनाई गई है, इसलिए यह प्रश्न महत्वपूर्ण हो सकता है आपके लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत कुल कितने हुनर हाटों का आयोजन किया जाएगा, 74, 75, 76 या फिर 77? आइए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर बी, यानी कि कुल 75 हुनर हाटों का आयोजन किया जाएगा। जैसा कि आपको पता है, भारत जो है अपना 75वां स्वतंत्रता दिवस अभी हाल ही में मनाया है, तो उसी के उपलक्ष्य में 75 हुनर हाटों का आयोजन किया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अभी हाल ही में भारत की कितनी आर्द्र भूमियों को रामसर में मान्यता दी गई है? तो अभी हाल ही में वेटलैंड जो होती हैं, 4 अन्य वेटलैंड को, भारतीय जो वेटलैंड है उनको रामसर में स्थान दे दिया गया है। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, यानी कि 4 ऐसी आर्द्र भूमियां हैं जिनको अब शामिल कर लिया गया है। तो कुल मिलाकर के भारत की 46 आर्द्र भूमियां हो गई हैं, ये आपको याद रखना है, 46 हो गई हैं, अभी तक 42 आर्द्र भूमियां थी। ठीक है, आर्द्र भूमि का मतलब समझ रहे ना, जो वेटलैंड्स होती हैं वो आर्द्र भूमियां कहलाती हैं, मतलब कि बहुत उपजाऊ क्षेत्र होता है, जैसे आपका पश्चिम बंगाल का सुंदरवन डेल्टा है, ये सब वेटलैंड्स के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इन प्रश्नों के बारे में कल वाली वीडियो हम आपको डिटेल में जानकारी दे चुके हैं। आइए शुरुआत करते हैं टुडे करंट अफेयर 19 अगस्त 2021। आइए देखते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों में पहला प्रश्न क्या है। अभी हाल ही में एमवे इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, सुशील कुमार, मीराबाई चानू, नीरज चोपड़ा या फिर पीवी सिंधु? आंसर की बात कर लेते हैं। सही आंसर बी, यानी कि मीराबाई चानू को अभी हाल ही में एमवे इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। अब ये क्या है पूरी बात, आइए देख लेते हैं। तो डायरेक्ट प्रोटीन एंड न्यूट्रिशियन सेलिंग फर्म एमवे इंडिया ने घोषणा की है कि ओलंपियन मीराबाई चानू को एमवे और उसके उत्पादों का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया जाएगा। आपने कई बार एडवर्टीजमेंट भी देखा होगा एमवे इंडिया का, तो ये एक तरह का जो प्रोटीन और न्यूट्रिशन वाले पाउडर होते हैं उनकी ये कंपनी है एमवे इंडिया। उसने मीराबाई चानू को जो है ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, और आपको पता है नए ब्रांड एम्बेसडर जो भी बनाए जाते हैं परीक्षाओं में जरूर पूछ लिए जाते हैं, और मीराबाई चानू ने क्योंकि यहाँ पर सिल्वर मेडल जीता है, तो आपके लिए यह प्रश्न बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा आगामी सभी परीक्षाओं की दृष्टि से। ठीक है, तो मीराबाई चानू ने अभी हाल ही में टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत के लिए 49 किलोग्राम भार वर्ग में वेट लिफ्टिंग में रजत पदक जीता है। भारत के लिए भारोत्तोलन में रजत पदक जीतने वाली प्रथम महिला बन गई हैं कौन, मीराबाई चानू। ठीक है, इससे पहले किसी ने भी रजत पदक नहीं जीता था, कांस्य पदक जीता था कर्णम मल्लेश्वरी ने, और वो भारत की पहली ओलंपिक मतलब की मेडल जीतने वाली महिला थी, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, मीराबाई चानू किस राज्य से रिलेटेड करती हैं, तो याद रखिएगा असम राज्य से रिलेट करती हैं मीराबाई चानू, सिल्वर मेडल टोक्यो ओलंपिक 2020, इतना आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अभी हाल ही में किस राज्य की सरकार ने आतंकवाद रोधी दस्ते ATS प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है, राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश या फिर उत्तराखंड? आइए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर सी, यानी कि उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने अभी हाल ही में आतंकवाद रोधी दस्ते ATS प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। कुछ जानकारी आपको देते हैं,
तो कहाँ पर, उत्तर प्रदेश सरकार ने सहारनपुर की देवबंद में आतंकवाद विरोधी दस्ते कमांडो के लिए एक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया है। यानी कि जो लोग भी यहाँ पर एंटी टेररिस्ट स्क्वाड के लिए ट्रेनिंग लेते हैं, जो भी कमांडो लोग होते हैं, एनएसजी के जो कमांडो होते हैं, उनके ट्रेनिंग करने के लिए एक यहाँ पर प्रशिक्षण केंद्र शुरू करने की घोषणा की है उत्तर प्रदेश सरकार ने सहारनपुर के देवबंद में। ठीक है, सूत्रों के मुताबिक पहले ही देवबंद में एटीएस प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने के लिए 2000 वर्ग मीटर से अधिक भूमि आवंटित की जा चुकी है। ठीक है, तो इतने क्षेत्र में जो है वो एटीएस की जो है प्रशिक्षण केंद्र जो है वो यहाँ पर खोला जाएगा उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में। ठीक है, उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं स्टैटिक की, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन है, आनंदीबेन पटेल उत्तर प्रदेश की राज्यपाल है। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, तो लखनऊ जो है उत्तर प्रदेश की राजधानी है और ये गोमती नदी के किनारे स्थित है। आरआरबी एनटीपीसी में यह प्रश्न 3 से 4 बार पूछा गया था कि लखनऊ जो है वो किस नदी के किनारे है, तो याद रखिएगा गोमती नदी के किनारे लखनऊ स्थित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो माकी काजी का अभी हाल ही में निधन हो गया है, इनमें से वे किसके निर्माता थे, सुडोकू पहेली, चाचा चौधरी कॉमिक, नागराज कॉमिक या फिर स्नैक एंड लेडर्स। तो किसके निर्माता थे माकी काजी, जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है, स्टार लगा लीजिए, यह प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है आगामी परीक्षाओं में। आंसर की बात कर लेते हैं, सही आंसर है ए, यानी कि सुडोकू पहेली जो होती थी उसके जो है यहाँ पर निर्माता है माकी काजी, जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया। सुडोकू आप लोगों ने भी काफ़ी खेली होगी, जो अखबार वगैरह आते हैं मध्य प्रदेश में, आपने अगर अखबार देखे होंगे उसमें एक वर्ग पहेली करके ऑप्शन आता है, वो सुडोकू पहेली होती है, उसके निर्माता माकी काजी हैं जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। ठीक है, देखिए तो नंबर पहली सुडोकू के निर्माता माकी काजी का अभी हाल ही में निधन हो गया है, उन्हें सुडोकू का गॉडफादर भी कहा जाता है। ठीक है, उन्होंने सुडोकू की रचना कब की थी, तो 1983 में सुडोकू की रचना की थी माकी काजी ने, जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। दुनिया की सबसे लोकप्रिय पेंसिल पहली माने जाने वाली सुडोकू हाल ही में डिजिटल संस्करण में भी उपलब्ध हो गई। अब आपको ये सुडोकू है वो आपको आपके मोबाइल पर भी देखने को मिल सकती है। ठीक है, माकी काजी कहाँ के निवासी हैं, यह प्रश्न पूछा जा सकता है, तो जापान के निवासी थे माकी काजी, जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया, सुडोकू पहेली के गॉडफादर कहे जाते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रूफ ऐप किस केंद्र शासित प्रदेश द्वारा लॉन्च किया गया है, चंडीगढ़, दिल्ली, लक्षद्वीप या फिर जम्मू कश्मीर। आंसर की बात करें, सही आंसर डी, यानी कि जम्मू कश्मीर के द्वारा प्रूफ ऐप लॉन्च किया गया है। अब ये प्रूफ की फुल फॉर्म क्या होती है, क्या कार्य करेगा प्रूफ, आइए देख लेते हैं। तो जम्मू और कश्मीर में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने शासन प्रणाली में अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए प्रूफ ऐप लॉन्च किया है। प्रूफ का फुल फॉर्म क्या होगा, तो फोटोग्राफिक रिकॉर्ड ऑफ वन ऑन साइट फैसिलिटी, ये जो है प्रूफ का फुल फॉर्म होगा। हिंदी में बात करें तो ऑन साइट सुविधा का फोटोग्राफिक रिकॉर्ड जो है ये आपका प्रूफ का फुल फॉर्म हो जाएगा। प्रूफ की फुल फॉर्म आपको याद रखनी है, पूछी जा सकती है। इस ऐप का मुख्य उद्देश्य केंद्र शासित प्रदेशों के विभिन्न विभागों को आवंटित सभी परियोजनाओं की कार्य प्रगति की निगरानी करना और इन परियोजनाओं को समय पर पूरा करना जो है सुनिश्चित करने के लिए इसका निर्माण किया गया है प्रूफ ऐप का। यानी कि जो भी यहाँ पर इस केंद्र शासित प्रदेश में कार्य हो रहे हैं, जो सरकारी कार्य हो रहे हैं, उनकी आप निगरानी कर सकते हैं प्रूफ ऐप के माध्यम से। ठीक है, चलिए, उपराज्यपाल कौन है, मनोज सिन्हा है, याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर यहाँ की राजधानी है। आगे बढ़ते हैं, राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन मजदूर न्याय योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है, उत्तराखंड, राजस्थान, छत्तीसगढ़ या फिर मध्य प्रदेश। आइए आंसर देख लेते हैं, तो सही आंसर है सी, यानी कि छत्तीसगढ़ में राजीव गांधी भूमिहीन मजदूर न्याय योजना की शुरुआत की गई है। अब देखिए, राजीव गांधी कांग्रेस के नेता थे, तो यहाँ से आप जो है एलिमिनेट भी कर सकते हैं। उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार नहीं, आप इसको एलिमिनेट कर दीजिए। ठीक है, मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार नहीं, आप इसको एलिमिनेट कर दीजिए। यानी कि या तो राजस्थान या फिर छत्तीसगढ़, ये आंसर हो सकता है। तो सही आंसर है छत्तीसगढ़। तो राजीव गांधी जी के नाम पर जो खेल रत्न पुरस्कार था उसको भी हाल ही में बंद कर दिया गया है, उनका जो है नाम परिवर्तन कर दिया गया है। इसलिए अभी कुछ दिन पहले ही यहाँ पर महाराष्ट्र सरकार ने भी राजीव गांधी के नाम पर एक जो है योजना चालू की थी, क्योंकि महाराष्ट्र में भी आपकी एनपीए की सरकार है और यहां पर भी जो है आपका छत्तीसगढ़ में भी आपकी कांग्रेस की सरकार है, तो छत्तीसगढ़ ने भी राजीव गांधी जी के नाम पर यहां पर एक जो है योजना की शुरुआत की है। चलिए पूरी योजना के बारे में आपको जानकारी दे देते हैं। तो देखिए, छत्तीसगढ़ सरकार ने 12 लाख भूमिहीन परिवारों को लाभान्वित करने के लिए 200 करोड़ रुपए के प्रावधान के साथ राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन मजदूर न्याय योजना की शुरुआत की है। योजना का उद्देश्य ग्रामीण भूमिहीन मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी के साथ समर्थन देना है, ताकि वह बुनियादी सुविधाओं तक पहुँच बना सके। ठीक है, इस राशि को वित्तीय वर्ष 2021-22 के अनुपूरक बजट में शामिल कर लिया जाएगा। तो छत्तीसगढ़ के द्वारा जो है ये योजना शुरू की गई है। छत्तीसगढ़ के स्टैटिक प्रश्नों को देख लेते हैं। तो छत्तीसगढ़
के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, राज्यपाल है अनुसुईया उइके और राजधानी है रायपुर। ठीक है, तो ये तीनों प्रश्न आपको याद रखना है, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है छत्तीसगढ़ से संबंधित। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। किस राज्य की नगर निगम के द्वारा क्लीन सिटी ऐप को लॉन्च किया गया है? मध्य प्रदेश, केरल, दिल्ली, तमिलनाडु। आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर सी, यानी कि दिल्ली राज्य सरकार के एक नगर निगम के द्वारा यहां पर क्लीन सिटी ऐप लॉन्च किया गया है। अब ये ऐप क्या कार्य करेगा, आइए देखते हैं। तो उत्तर दिल्ली नगर निगम, जिसे हम जो है शॉर्ट फॉर्म में NDMC कहते हैं, तो NDMC ने 13 अगस्त 2021 को क्लीन सिटी ऐप लॉन्च किया है। यह एक मोबाइल एप्लीकेशन है जिसे निवासियों को उस क्षेत्र में कचरा उठाने के लिए शिकायत दर्ज करने में मदद करने के लिए बनाया गया है। यानी अगर कचरा फैला हुआ है और उसे नगर निगम के सफाई कर्मियों के द्वारा नहीं उठाया जा रहा है, तो इस ऐप पर आप जो है वहाँ पर शिकायत कर सकते हैं। आज़ादी का अमृत महोत्सव और स्वतंत्रता दिवस के 75 वर्ष को चिन्हित करने के लिए NDMC ने प्लास्टिक के उपयोग को बंद करने के लिए ऑनलाइन माध्यम से नगर पालिका स्कूल के छात्रों को शपथ भी दिलाई है। यानी जो सिंगल यूज आपकी प्लास्टिक होती है, जिसे हम पॉलीथिन भी कहते हैं, ठीक है, तो इसको यूज करने पर बंद करने के लिए यहाँ पर ऑनलाइन शपथ दिलवाई गई है NDMC के द्वारा। वहाँ के जो भी छात्र वगैरह हैं उनको ऑनलाइन शपथ दिलाई गई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो यहाँ से हम शुरुआत करते हैं 19 अगस्त 2021 मध्य प्रदेश करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्न। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। हाल ही में पुलिस प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान PTRI ने सड़क सुरक्षा के लिए किस इंस्टीट्यूट के साथ में एक MOU पर साइन किया है? MOU का फुल फॉर्म याद रखिएगा, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है वो MOU का फुल फॉर्म होता है, कई बार परीक्षाओं में पूछ लिया गया है। IIT इंदौर, IIM इंदौर, मैनिट या फिर जीवाजी यूनिवर्सिटी। आंसर की बात कर लेते हैं। सही आंसर सी, यानी कि मैनिट के द्वारा अभी हाल ही में यहाँ पर सड़क सुरक्षा के लिए एक MOU पर साइन किया गया है। चलिए पूरी जानकारी आपको देते हैं। तो पुलिस प्रशिक्षण शोध संस्थान यानी कि PTRI सड़कों को आवागमन के लिए सुरक्षित बनाने के लिए सतत कार्य जो है प्रयासरत है। यानी पर सड़कों पर जो भी आवागमन है उसको सही से सुचारू रूप से चालू रखा जा सके, इसके लिए पुलिस प्रशिक्षण शोध संस्थान PTRI जो है वो कार्य करती है। इस कार्य में मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जिसे मैनिट भी कहते हैं, तो मैनिट के द्वारा PTRI की सहायता की जा रही है। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक एवं नोडल अधिकारी श्री DC सागर ने बताया है कि दोनों संस्थानों ने मिलकर के काम करने की योजना बनाई है। ठीक है, किसने? तो मैनिट यानी मौलाना अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी ने और पुलिस प्रशिक्षण शोध संस्थान, दोनों ने मिलकर के यहाँ पर सड़क सुरक्षा के लिए कार्य करने पर एक योजना तैयार की है। योजना के क्रियान्वयन के लिए शुक्रवार को पुलिस महानिदेशक श्री विवेक जौहरी और मैनिट के निदेशक डॉक्टर नरेंद्र सिंह रघुवंशी ने MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, तो दोनों लोगों ने यहाँ पर मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किए हैं। दोनों लोग मिलकर के यहाँ पर सड़क सुरक्षा के लिए कार्य करेंगे। तो याद रखिएगा, मैनिट ने यहाँ पर सहयोग किया है पुलिस प्रशिक्षण शोध संस्थान का। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। मध्य प्रदेश से न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर में 15 अगस्त को फ्लैग होस्टिंग में मुख्य अतिथि के रूप में कौन शामिल हुए हैं? तो जैसा कि आपको पता है, जो न्यूयॉर्क है, तो न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर जो है तिरंगा फहराया गया है, ठीक है, तो वहां पर जो अतिथि के रूप में कौन शामिल हुए थे मध्य प्रदेश की तरफ से? अभिमन्यु मिश्रा, विवेक सागर, प्रणय खरे या फिर इनमें से कोई नहीं? आंसर की बात करें, सही आंसर ए, यानी कि अभिमन्यु मिश्रा को यहाँ पर मुख्य अतिथि बनाया गया था, जो यहाँ पर न्यूयॉर्क के टाइम स्क्वायर पर तिरंगा फहराया गया है उस कार्यक्रम में। देखिए कुछ जानकारी, तो दुनिया के सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर अभिमन्यु मिश्रा न्यूयॉर्क के टाइम स्क्वायर में 15 अगस्त को फ्लैग होस्टिंग के मुख्य अतिथि के रूप में नामित किए गए। ठीक है, इनका संबंध भोपाल जिले से है, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि ये भोपाल से संबंधित है। भारत का 75वां स्वतंत्रता दिवस बड़े पैमाने पर मनाया गया टाइम्स स्क्वायर में। फेडरेशन ऑफ इंडियन एसोसिएशन ने रविवार को सबसे बड़ा तिरंगा फहराया है, ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं स्टैटिक GK की छुपार उच्चतम क्लास सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। जादूगोड़ा का संबंध किस खनिज से है? तो जादूगोड़ा की खनिज जो खदानों के बारे में आपने सुना होगा, तो वे खदानें किससे संबंधित हैं? यूरेनियम, प्लूटोनियम, सोना या फिर मैंगनीज? आइए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर ए, यानी कि यूरेनियम से संबंधित हैं जादूगोड़ा की खदानें। कहाँ पर हैं देखिए, तो जादूगोड़ा की खदानें यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध हैं। ये खदानें झारखंड की बेतला नामक स्थान पर स्थित हैं। तो याद रखिए, झारखंड में बेतला नामक स्थान पर यूरेनियम की खदानें स्थित हैं, जिन्हें जादूगोड़ा खदानों के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते
बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। बोकारो लौह इस्पात उद्योग की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? तो आपको पता है भारत में पंचवर्षीय योजनाओं के अंतर्गत बड़े बड़े यहाँ पर संयंत्रों की स्थापना की गई थी, उन्हीं में से एक है बोकारो लौह इस्पात संयंत्र। इसकी स्थापना कौन सी पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? प्रथम पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना, तृतीय पंचवर्षीय योजना या फिर चतुर्थ पंचवर्षीय योजना? आइए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर सी, यानी कि तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान बोकारो लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई। अब किसके सहयोग से की गई वो भी आपको क्लियर कर लेना है। तो बोकारो लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी। बोकारो लौह इस्पात संयंत्र को रूस के सहयोग से स्थापित किया गया था, ये भी आपको याद रखना है। और बोकारो भी कहाँ पर है? तो बोकारो भी आपका झारखंड में ही स्थित है, ठीक है। रूस के सहयोग से इसकी स्थापना की गई थी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया था? बोधगया, सारनाथ, लुम्बिनी या फिर इनमें से कोई नहीं? आंसर देख लें। सही आंसर बी, यानी कि सारनाथ में महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। सारनाथ कहाँ पर है? तो उत्तर प्रदेश के वाराणसी में सारनाथ स्थित है। और इस घटना को क्या कहा जाता है? तो इस घटना को बौद्ध साहित्य में धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है, जो भगवान महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था इस घटना को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, नाबार्ड की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई थी? नाबार्ड के बारे में पहले भी हमने आपको काफ़ी जानकारी दी है, ठीक है। तो चलैया समिति, शिवरमन समिति, राजशेखर समिति या फिर सरकारिया आयोग? आइए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर बी, यानी कि शिवरमन समिति की सिफारिश पर नाबार्ड की स्थापना की गई थी। अब नाबार्ड की स्थापना कब की गई थी, कौन इसके अध्यक्ष हैं वो भी देख लेते हैं। तो नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को की गई थी। इसकी स्थापना शिवरमन समिति की सिफारिश पर की गई थी। और नाबार्ड के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो गोविंद राजू चिंतालू जो है वो नाबार्ड के वर्तमान में अध्यक्ष है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। तो देखिए, ये आपके महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो यहाँ पर समाप्त होते हैं। कल के प्रश्न के उत्तर की बात कर लेते हैं। तो कल के प्रश्न का सही उत्तर है बाबर। कल हमने आपसे पूछा था कि कलंदर के उपनाम से किसे जाना जाता है? सही आंसर बाबर है। आइए देखते हैं किस किसने यहाँ पर आंसर दिया है। राधेश्याम शुक्ला ने नाइस क्लास कहा है। सचिन पारासन ने बताया है 25 दिसंबर को। अच्छा, ये दूसरे आंसर दे रहे हैं। जैसे कि हमने आपसे एक प्रश्न और पूछा था कि अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो है जन्म कब हुआ था, यह प्रश्न था। तो 25 दिसंबर पुरुषोत्तम परमार 25 दिसंबर, संजय इवाने 25 दिसंबर, उसके बाद राहुल मालवी 25 दिसंबर, उसके बाद में पूजा दांगी ने भी यहाँ पर 25 दिसंबर, अवंतिका शुक्ला ने भी 25 दिसंबर बताया है। ये जो प्रश्न है ये हमने आपसे कल दोपहर वाली वीडियो में पूछा था, ठीक है। तो कल के प्रश्न का सही आंसर बाबर है, करंट अफेयर वाली वीडियो का, ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज देखते हैं कौन सा प्रश्न है जिसे आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। देखिए, तो आज का प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों में मृतकों का टीला किसे कहा जाता है? ये बहुत फेमस प्रश्न है, कई बार पूछा गया है। मृतकों का टीला किसे कहा जाता है सिंधु घाटी सभ्यता में? अगर आपको आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लीजिएगा। और दोपहर में 12:30 से 1 बजे के बीच में हम आपके लिए प्रैक्टिस सेट लेकर के आने वाले हैं, जियोग्राफी का बेहतरीन प्रैक्टिस सेट। नए प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम में चाहे वो आपका MPPSC हो, चाहे वो आपका NTPC हो, चाहे SSC GD हो, कोई भी एग्जाम हो, अब आपको अच्छे लेवल के प्रश्न देखने को मिलने वाले हैं हर एक सब्जेक्ट में। तो कल हम यहाँ पर हिस्ट्री की प्रैक्टिस सेट लेकर के आए थे और आज हम यहाँ पर जियोग्राफी का प्रैक्टिस सेट लेकर के आने वाले हैं। तो जल्द ही मिलते हैं जियोग्राफी वाली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।